शिव मुझे जरा काम आ गया, मैं आता हूँ। ओके बाय। जी जी घर में कोई है? जी मैं हूँ ना। आई मीन कोई बड़ा? जी इस घर का बड़ा भी मैं हूँ, छोटा भी मैं हूँ, आप जो चाहे समझ के कुछ भी समझा सकती हैं। आप कपड़े पहनते हैं? जी। आपके कपड़े मैले होते हैं? जी होते हैं। कब तक यूं ही लोगों की नजरों को सहते रहेंगे? सुंदर दिखिए, सफेद दिखिए, सिर्फ और सिर्फ चमको साबुन के साथ। चमको कपड़े धोए चकाचक, ना दाग छोड़े ना धब्बा, सब खुश रहे सास ससुर अम्मी और अब्बा। आप साबुन बेचने आई हैं? जी हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रमोशनल सेल चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं कपड़े धो के दिखाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना, मैं अकेला ही हूँ, साथ में मिलके धोते हैं। जी आपका बाथरूम कहाँ है? वाह नहीं वाह। और कपड़े? कपड़े मैंने पहने ना। नहीं 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 ये वाले नहीं, धोने वाले। ओह ओह धोने वाले, मैं निकालता हूँ, आप आइए ना, आइए जाइए, चले जाइए, ले बॉय, बेस्ट ऑफ लक। तुलिका तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? शेफ सिर्फ तेरा है और तेरा ही रहेगा। सत्य वचन। और तुम दोनों साथ में ना बहुत अच्छे लगते हो। सत्य वचन। और हाँ अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना तो तुम दोनों को साथ देखकर सबसे ज्यादा खुशी हम दोनों को ही होगी। सत्य वचन। झूठ कहे तो कहूँ, अरे शिव का बाथरूम बेडरूम किचन सब कुछ ना तुलिका तेरे लिए ही बना है। कपड़े उतारिए ना। जी धोने नहीं क्या? धोने ना, वैसे भी बहुत गंदे हो गए, लीजिए। अब देखिए चमको का कमाल दिखाइए। तो लो हो गया फैसला कि शिव की दुल्हन ना सिर्फ और सिर्फ तू ही बनेगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू गौरी, मुझे मेरी शादी का डांस सिखाने की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ तेरी, पक्का। लेकिन पहले शिव से बात तो करो एंड जस्ट सेटल डाउन एवरीथिंग विद हिम। जी अच्छा लगता है मैं अपनी शादी की बात उससे खुद करूं? होश में आ और पहले शिव को फोन कर और उसे सॉरी कह। पर ये माफी क्यों मांगे? क्योंकि भाभी कल जो कुछ भी हुआ है ना उससे शिव जरूर नाराज होगा। हाँ आई थिंक कौरी ठीक कह रही है, आई शुड कॉल हिम। शिव ना तुझसे नाराज है इसलिए ना शिव के घर चलकर तुझे उससे बात करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, पहले उसको चल के मना लेंगे और फिर उससे शादी की बात कर लेंगे। ठीक है ये ठीक है। चल गौरी। मैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अभी तो तूने कहा था कि चल के बात करेंगे। हाँ पर मैंने ये नहीं कहा है कि मैं शिव के घर जाऊंगी। नहीं गौरी चलना, वो तेरी बात मानेगा मेरी नहीं। देख तो लगा अगर तू उसे सच्चे दिल से कहेगी ना तो वो तेरी बात भी जरूर मानेगा। गौरी मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन आया है, मुझे इतना बड़ा फैसला लेना है और मैंने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया और तू ही की। प्लीज तो लगा ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं नहीं जा पाऊंगी। ओके नो इश्यूज, दोस्त है जो बोलेगी करना पड़ेगा। चलिए भाभी मैं आती हूँ। क्यों तुझे इतना घमंड है? झूठ कहें तो कहो, अरे उसने तेरे लिए इतना किया और तू उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? भाभी मेरी जगह पर आकर देखिए,
बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला है और मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे आगे चलकर मेरे और तुलिका के बीच में फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। भाभी चलिए चल। गौरी मैं बच्ची नहीं हूं, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तेरी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। बस ये चाहती थी कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेते वक्त कहीं अगर मैं नर्वस हो गई तो तू मेरे साथ हो। बट नो इश्यूज। चलिए बाबा चल। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इतना बड़ा झूठ कहा। नहीं नहीं, मैं तो मान ही नहीं सकती, इतने स्मार्ट हैंडसम लड़का सिंगल कैसे रह सकता है? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, इतनी ब्यूटीफुल लड़की अब तक सिंगल कैसे है? आपकी जवाब ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे जवाब तो खुद ब खुद अच्छे हो रहे हैं। प्यास लगी है, कुछ पीने को है? है ना, मैं अभी लाता हूँ, एक मिनट। थैंक यू। आप नहीं पियेंगे? तुम पियो ना, मैं तुम्हें पीते हुए देखूंगा। घर में और कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? है ना, लाओ ये शर्ट मुझे दे दो, मैं इसे वहां सुखा दूंगा। तुम बैठो ना। हाँ। अच्छे से कोल्ड ड्रिंक पीना। हाँ? मैं आया। बेटा, लड़की खूबसूरत भी है और इंटेलिजेंट भी, और उससे बड़ी बात लड़की सिंगल भी है। स्वयं प्रेम की देवी प्रकट हुई है तेरे घर पे। यही मौका है जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का। मौके पे जो कम मार दे, she is just perfect। ये मौका हाथ से मत जाने दे, शिव मत जाने दे।